दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ आज के ब्लॉग में आप लोग देख पा रहे होंगे, वैसे टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मेरा क्लिप किस पर है, किस पर है आज का वीडियो। तो गाइज ये है रंग भरी एकादशी का वीडियो जो मैं आज आप लोगों तक भेज रही हूँ। और उसका वजह ये हो गया ना कि मुझे 4 दिन से बहुत तेज भूईबार आ रहा था, इस वजह से हमने वीडियो को एडिट भी नहीं किया था और ना अपलोड कर पाई थी। तो उसके लिए सॉरी गाइज, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर किए बगैर नहीं रह पा रही थी। तो आज रंग भरी एकादशी था यहाँ पर, मतलब जब मैं ये क्लिप में ले रही थी। और वैसे तो आज है होलिका दहन का दिवस है, तो आज पहले तो हमारे फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली गाइज। तो यहाँ पे रंग भरी एकादशी मेरा मनाने का मन नहीं था और ना ही मैं मनाती हूँ। इसके पीछे बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही खास कहानी है। लड्डू गोपाल ने अचानक से मेरे दिमाग में ये बात डाल दिया कि बस मुझे भी जैसे कि मतलब वो आए हैं तो वो बगैर होली खेले नहीं रह पाते हैं। बस 1 घंटे के अंदर, मतलब कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के अंदर ये मेरी पूरी तैयारी हुई। और तैयारी के नाम पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस अपने कॉलोनी की कुछ बड़ी और छोटी लड़कियों को बुलाकर हमने यहाँ छोटा सा लड्डू गोपाल के लिए होली गीत वगैरह यहाँ पे हुआ, कुछ सॉन्ग वगैरह हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने मतलब जितना मैं जुटा पाई थी उतना इकट्ठा करके हमने फिर लड्डू गोपाल को बाकी भगवान जी को मतलब कि भोग भी लगाया था। और हाँ गाइस, मैं ऑरेंज कलर का ड्रेस के लेकर आई थी। बस 1 घंटे के अंदर मुझे जितना बन पड़ा तो वही मैंने हर से मतलब उस टाइम पर किया था। और आप देख पा रहे होंगे कि मतलब सभी लोग इतने न्यौछावर के इस तरीके से मतलब बलिहारी हुए थे कन्हैया जी के, मैं बता नहीं सकती। और जैसे ये क्लिप मेरे बच्चों ने लिया था तो बच्चे थोड़ा वीडियो के आने की वजह से थोड़ा सा शर्मा रहे थे, तो अच्छे से वीडियो नहीं ले पाए हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग फिर अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि आज मुझे इतना मज़ा आता है, इतना इंजॉय सबने किया कि किसी को पूछी मत। वैसे ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, तो मेरी पहली कोशिश तो मुझे लगता है शायद कामयाब हुई। बट कामयाबी मुझे तब मिलेगी जब आप लोगों से अच्छे लाइक्स और कमेंट्स मुझे मिलेंगे। और कोशिश हमने यही थी कि मतलब मेरी कोशिश यही थी कि आज कन्हैया जी के रंग में हम सब भी रंग जाते हैं। यहाँ सभी लोग मिलकर एक एक करके खूब अच्छे भजन कीर्तन गाए थे। तो मैं उन सारी चीज़ें को मैंने यूज कर दिया। तो आप देखिएगा कि साड़ी और बाल्टी को हमने अपने हाथों से ही सजाया था, तो उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। और लड्डू गोपाल और विजय सरकार का भी वस्त्र आप लोग देख लीजिए, मुझे 1 ही घंटे के अंदर बट बहुत ही खूबसूरत कपड़े मिल गए थे। और कुछ गिफ्ट भी हम ले आए थे कन्हैया जी के लिए। ये पिचकारी देखिएगा, इन्होंने इससे पिचकारी भी खेला था। तो बच्चे पूरा क्लिप नहीं ले पाए गाइज। और उम्मीद कर मतलब आशा करूँगी और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं ये इस तरीके से रंग भरी एकादशी हमने फिर से मनाया, अगर कन्हैया जी का मन हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ सारा मतलब एक एक चीज़ में शेयर करूँगी। और क्योंकि 1 घंटे के अंदर अगर मैं वीडियो बनाने लगती और मतलब पूरा क्लिप अगर मैं लेती तो फिर शायद 1 घंटे के अंदर जो व्यवस्था और जो तैयारी हुई थी वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से हमने वीडियो पर थोड़ा कम ही ध्यान दिया था, वो तो बच्चों ने थोड़ा बहुत ले लिया। तो बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर इतने अच्छे से और इतने सुंदर सुंदर भजन कीर्तन हुए थे कि मैं बता नहीं सकती। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की होली कैसी है। और गाइस अगर मैं मेरा वॉइस मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ लगी या थोड़ी मोटी या भारी लगी तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी भी मुझे फीवर है और मैं फीवर में ही वॉइस ओवर दे रही थी। और ये वीडियो बना करके रखा था, तो मुझे बड़ी बेचैनी थी कि 3 दिन से हमने कोई चीज़ नहीं डाला है। आप लोग कहेंगे कि ये रहते रहते गायब हो जाती है शायद, लेकिन मुझे अचानक से शायद बदलते हुए मौसम की एक असर है कि जिससे मुझे ये फीवर वगैरह आ रहा है। तो फिर चलिए आप थोड़ा सा आगे का मतलब गाना भी इंजॉय कीजिएगा। और लास्ट में जो डांस वगैरह होता है राधा रानी और लाडले सरकार के लिए, तो उसे भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो फिलहाल तो आप ये गाना सुनिएगा। से यहाँ पे भजन कीर्तन समाप्त हो चुका है और इस समय बज रहे हैं शाम के 7, तो 7 बजे तक मतलब कि यह यहाँ कार्यक्रम चलता है। लेकिन मैं सच बताऊं तो इतना अनोखा और इतना सुंदर नज़ारा बन जाएगा ऐसा मुझे लगा नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि कान्हा जी के साथ हम सब ऐसे होली खेल करके इतना आनंद और इतनी खुशी से हम लोग हर्षोल्लास से भर जाएंगे। और मुझे आज पहली होली मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हमने ये पहली होली दिल से मनाया और ये शायद सालों साल मुझे भूलेगा नहीं, मुझे हमेशा याद रहेगा। और जैसे कि होली का त्यौहार ऐसा है गाइस कि हम लेडीज़ें निकल नहीं पाते हैं बाहर की ओर, तो जैसे राधा कृष्ण के समय में मतलब हुआ करता था या होता रहा होगा कि मतलब गोप के साथ गोपियां भी निकलती थी, बट हम लेडीज़ें होली के त्यौहार में कभी खिड़कियों से बाहर झांकने में भी हम लोगों को डर लगता है या शर्म लगता है, जो भी कह लीजिए। तो वैसे मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर कन्हैया जी के साथ हम औरतें मिल के या हम सारी गोपियाँ मिल कर के इस तरीके से होली खेलें तो फिर उसका आनंद ही बहुत आने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे कि कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रंग लगाने के लिए आतुर हो रहा है। और मुझे इस क्लिप को आज 2 दिन बाद देख के भी इतनी हंसी आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती थी कि कोई मतलब ना तो कोई बड़ा ना तो कोई छोटा, ना तो कोई सासू जी ना जेठानी ना देवरानी ना नंद का कोई मतलब वो नहीं था। ये था कि बस होली खेलना है सबको और सबको रंग देना है। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो भी कान्हा जी के साथ होली खेल रहे थे। तो आप लोग भी मेरे कान्हा के साथ होली खेल लीजिए। और वैसे हमारे कान्हा की तरफ से गाइस आप सभी को हैप्पी होली, राधे राधे, होली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। और रंग बिरंगे रंगों की तरह खुशियों के सारे रंग आप सबके जीवन में मतलब शामिल रहें, ये मेरे कान्हा जी की तरफ से मतलब आशीर्वाद आप सभी तक पहुँचे, ये मेरी दुआ है। और हमारे तरफ से भी आप सभी को कि जो ये महामारी आया हुआ है गाइस, ये सारे महामारी से कन्हैया जी हम लोगों को बचा के रखे और खुशियों का रंग हर गली हर मोहल्ले और हर कोने में विराजित रहे। और साथ में कान्हा जी की लीलाएं भी हमेशा हर जगह भरी रहे। तो बस यहाँ पे अब सब लोग डांस करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर कान्हा जी सामने हैं तो प्रेम और डांस या रास का अगर लीला या रंग ना रहे तो फिर कान्हा जी से मुलाकात अधूरी हो जाती है। तो बस सभी लोग यहाँ डांस करने के लिए तैयार है, तो सभी एक दूसरे को कह रहे थे कि हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे, तो ये सारी बातें हो रही थी। तो फिर चलिए यहाँ पे अब डांस स्टार्ट कर देते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। अगर कोई रह भी गया था तो गाइज वो भी सब एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रंग लगा रहा था। तो यहाँ मैं अपनी मम्मी को और अपने सासू जी को कलर लगा के बस पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी। तो पता नहीं आप लोग मुझे पहचान पा रहे होंगे कि नहीं, तो यह बस देखिए डांस स्टार्ट हो गया है। तो गाइज आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा डांस को, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा। वैसे लड्डू गोपाल के साथ हमारी ये पहली होली थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फिर चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी होली गाइस। आप देख लीजिएगा कि मतलब कि कोई कैसा भी डांस कर रहा है, मगर सब लोग अपने मतलब कान्हा जी के और होली के रंग में इस तरीके से रंगा हुआ है कि सबके चेहरे एकदम खिले हुए हैं, सबके चेहरे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो भाभी मुझे डांट रही थी कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम भी चल के डांस करो, तो बस मैं भी डांस करने आ गई। वैसे सच में बता रही हूँ कि आज डांस करके काफ़ी मज़ा आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो गाइज अगर आप लोगों का लाइक और कमेंट्स मिलेगा तो मेरा कोशिश भी सफल हो जाएगा और मुझे लगेगा कि कान्हा जी भी मतलब आप लोग भी कान्हा जी के साथ खूब अच्छे से होली खेले। और सबके कपड़े और सबके चेहरे और बाल कितने सुंदर लग रहे थे रंग बिरंगे रंगों से रंगने के बाद, ये आप लोग देख रहे होंगे। वैसे गाना मतलब भजन कीर्तन करने के बाद और डांस करने के बाद सबको इतनी थकान हो गई थी कि अब बस इसके बाद अब सभी लोग बैठते हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये आप देखिएगा बस राधे राधे का धुन चल रहा है। तो यहाँ जो स्पीकर का मतलब सॉन्ग था उसे हमने म्यूट कर दिया था, क्योंकि अगर म्यूट नहीं करती फ्रेंड तो कॉपीराइट आने का भी चांस था, डर था, तो इस वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ये बहुत ही अच्छा क्लिप था मेरे जीवन का। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी आज शायद इसी पल में हमने जी लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी अच्छा लगेगा और आप सभी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ बस राधे राधे का धुन चल रहा है और एक सॉन्ग था कन्हैया सारा राधा करके, कुछ ऐसे ही सॉन्ग थे। तो फिर बस इसी बीच तरीके से गाना हो रहा था, मस्ती हो रही थी। वैसे मुझे लगा कि मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है, बट मैं वो अगले साल अब जरूर रखूँगी। अगर कान्हा जी चाहेंगे तो अगले साल मैं उसे जरूर रखूँगी। मुझे डांडिया का कार्यक्रम रखना था, प्रोग्राम रखना था, तो डांडिया वगैरह मैंने मेरे पास है बट मैं निकाल नहीं पाई थी। 1 घंटे में इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो अब बस मैं सबको नाश्ते वगैरह करवाऊँगी क्योंकि सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और करते करते रात के 8 बज जाते हैं, शायद रात के 8 बज जाते हैं क्योंकि मैंने इसका घड़ी नहीं देखा है। तो चलिए देखिएगा फिर से डांस रुकने का नाम नहीं ले रहा। सभी डांस करने के लिए बहुत ही व्याकुल है। कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा था। कन्हैया जी ने जी मतलब ये मुझे समझा दिया कि महल हो या झोपड़ी हो, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, कहीं भी रात रख सकते हैं। तो मेरी इस झोपड़ी को उन्होंने धन्य बना दिया। उसके लिए कान्हा जी को और कान्हा जी के शब्दों में राधे राधे। और गाइस आप सभी को भी राधे राधे। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा और आप सभी को होली की हार्दिक और ढेरों सारी बधाइयाँ, ढेरों सारी शुभकामनाएं। रंग बिरंगी होली रंगों की तरह आपका भी जीवन ऐसे ही खुशबू में मतलब फूलों की तरह महकता रहे और रंगों की तरह रंगीन बना।